इंडियन प्रीमियर लीग में हर साल एक नया बल्लेबाज अपना जलवा बिखेरता है, अपना जलवा दिखाता है, अनेकों रन बनाता है, यानी कि बहुत सारे रन बनाता है, चाहे फिर वो इंडियन क्रिकेट में अनकैप्ड प्लेयर हो या फिर वो कैप्ड प्लेयर हो, चाहे फिर वो केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, या फिर अनकैप्ड की बात करें तो वहां रियान पराग हो, वहां देवदत्त पड़िकल हो, ऋतुराज गायकवाड हो या फिर जयसवाल हो, हर एक खिलाड़ी ने एक सीजन में जो है मोर्चा संभाला है, उस आईपीएल को हिट से सुपर हिट बना डाला है। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं इस साल जो है आईपीएल की इस रेस में कौन सा है वो खिलाड़ी सबसे आगे निकला है। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं रियान पराग की फोटो है और साथ में ऑरेंज क्या भी उन्होंने पहनी हुई है। तो वीडियो को शुरू करते बताते हैं कि रियान पराग ही क्यों इस सीजन, क्या खास बात है रियान पराग में, तो वीडियो को शुरू करते बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने क्रिकेट इन जीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो रियान पराग के बारे में बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम में आए, साल 2019 में अपना पहला आईपीएल मुकाबला खेला, डेब्यू किया 2019 में, यंगेस्ट खिलाड़ी बने जिसने आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे तेज और सबसे पहला जो है अर्धशतक लगाया, यानी कि फास्टेस्ट 50 या फिर हम बात करें पहली 50 लगाई यंगेस्ट खिलाड़ी ने। अब इसके अलावा उसके बाद जो उनका करियर है 2019 में आसाम के लिए खेलते थे, आसाम के लिए टूर्नामेंट खेलने शुरू करे, सीएम मुश्ताक खेला, रणजी ट्रॉफी में आए, आईपीएल खेला, लेकिन इंडियन टीम का जो डोर है ना वो खटखटा नहीं पाए। अब ऐसे में काफी सारी उनकी आलोचना भी हुई क्योंकि इनके स्टेटमेंट उस टाइम पे कुछ ऐसे थे कि अब मैं आ गया हूं, मैं इंडिया का नेक्स्ट फिनिशर बनूंगा, नेक्स्ट एमएस धोनी बनूंगा और इंडिया को जो है वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप ये सब जिताऊंगा। लेकिन ये सब तो छोड़िए, उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अब इसको देखते हुए फैंस ने भी इनके पीछे जो है काफी सारी स्टेटमेंट दी, लोगों ने बोला कि ज्यादा एरोगेंट प्लेयर है, ये शायद ज्यादा आगे जा नहीं पाएगा। तो उसको देखते हुए जो है रियान पराग की जो है मेंटल हेल्थ थोड़ी नीचे आई, जो यार फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, रन्स नहीं बन रहे हैं। तो साल 2019 में उन्होंने अपना डेब्यू किया आरआर के लिए, आरआर ने इन्हें बड़ा कंसिस्टेंट बना के रखा, मतलब खिलाते भी थे काफी ज्यादा, इनके रोशना भी होती थी प्लेइंग 11 कैसा क्यों बने हुए हैं, क्यों ये परफॉर्म भी नहीं करते फिर भी टीम में हमेशा शामिल होते हैं। तो इसके पीछे जो है एक बड़ी सोच थी कि रियान पराग जो है बढ़िया टैलेंट है और एक ना एक दिन आके परफॉर्म करेंगे, और वो एक ना एक दिन जो है साल 2024 में आ चुका है। थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया लेकिन जब आए हैं तो क्या खूब आए हैं, क्योंकि 2019, 2020 और 2021 तीनों आईपीएल में सुपर फ्लॉप रहे, 300-350 रन बनाते थे, एवरेज भी कोई खास होती नहीं थी, 15-20 की एवरेज होती थी और 130 के आसपास का इनका स्ट्राइक रेट होता था। लेकिन जैसे ही साल 2022-2023 आया वहां पे इनके रन बढ़े, 400-450 रन शो करे, जो इनका स्ट्राइक रेट है वो बड़ा, आसान के लिए इन्होंने जब खेला जैसे मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी क्रिकेट हो, हर जगह जाकर इन्होंने रन किए बड़े, रन बनाए, 200 बनाए, तो वहां जाके इनकी फॉर्म वापस आई। उसी के चलते हमें देखने को मिला कि 2022 और 2023 के आईपीएल में इन्होंने खूब अच्छा भी किया। लेकिन साल 2024 का आईपीएल क्यों खास है अब उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि साल 2024 के आईपीएल में तीन मुकाबले भी राजस्थान ने खेले हैं, तीन में से जो है जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, एक मैच में 84 बनाया, लास्ट मैच में भी जो उन्होंने खेला वहां 50 प्लस बनाया और जो है मुंबई के अगेंस्ट जीत भी दिलाई, फाइनल जो है फिनिशिंग रन बना के आए। जिस तरीके से इस सीजन जो है रियान पराग रन स्कोर कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, जिस कंसिस्टेंसी से बना रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट से बना रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि इस सीजन ऑरेंज कैप की रेस में कोई खिलाड़ी विराट में, फैफ में या फिर आप बात करें हेनरिक लारसन के साथ मौजूद होगा टॉप 5 में, तो वो रियान पराग का नाम डेफिनेटली होगा, क्योंकि इस सीजन में कुछ बात अलग है उनमें और ये सीजन शायद रियान पराग का सीजन साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप आसाम की बात करें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस साल ही जो है वो खूब सारे रन बना के आए हैं, उसके बाद रणजी ट्रॉफी में इनका खूब एक अच्छा अच्छा सीजन रहा जहाँ पे आसाम के लिए खूब सारे रन करके आए। लेकिन इस सीजन आईपीएल में 181 रन बना चुके हैं और जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं विराट के बराबर ही है। अब बात करें विराट और इनके बीच में क्या खासियत है, क्योंकि जब आईपीएल शुरू हुआ तो किसी ने भी ये चीज सपने में भी नहीं सोची होगी कि रियान पराग जो है विराट कोहली के साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे ऑरेंज कैप के लिए, या फिर विराट ने भी नहीं सोचा होगा कि वो जो है ऑरेंज कैप की स्टैंडिंग्स में जो है रियान पराग के साथ नेक टू नेक खड़े होंगे। लेकिन विराट से भी बेशक उन्होंने 181 रन बनाए, विराट ने 181 बनाए, विराट का स्ट्राइक रेट 141 है और रियान पराग जो है 160 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रन बना रहे हैं, क्योंकि ये सीजन अब जब इतना खास गया है तो उसको खास से जो है और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश होगी रियान पराग की और इस सीजन को और आगे ले जाना चाहेंगे, क्योंकि फैंस जो है ना इनके पीछे बहुत पड़े थे पहले और इस साल सबसे बेहतर बल्लेबाज लग रहे हैं इस आईपीएल के, और हो सकता है कि ऑरेंज कैप जो है ये जीत भी जाए और इस सीजन वो राजस्थान को भी जिता दें। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है रियान पराग की, क्या इंडियन टीम का जो गेट है वो ज्यादा दूर है इनसे, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट परफॉर्म करेंगे तो हमने देखा है पहले भी, चाहे फिर वो देवदत्त पड़िकल हो, ऋतुराज गायकवाड हो, चाहे फिर वो पाटीदार हो जिसने परफॉर्म किया है रणजी में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में या फिर आईपीएल में, उसी टीम इंडिया का दरवाजा भी खुलता दिखाई दिया है। तो क्या ये दरवाजा जो है रियान पराग के लिए भी खुलता दिखाई देगा, क्या उन्हें मौके मिलेंगे टीम में, यानी अपनी राय जो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे एक और नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।